गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बैड या वेरी गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास आमे कौन पढ़ू प्रीवियस क्लास है ना चलेगा ना कौन है? यस सर है ना गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर यस सर गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर। वी हैव स्टडीड डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इंडिया एंड इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म यूनिफॉर्मिटी एंड वर्सेस डाइवर्सिटी। सो वी हैव स्टडीड नेशनलिज्म राइट। सो प्रीवियस क्लास रे नेशनलिज्म हमें पढ़ लियो and very few of you are able to answer that what we have studied in the previous class. Okay, ठीक अच्छे। तो main उद्देश्य कौन थला? From since our modern in history, तो हमें first link करो medieval history को modern history से इतना link करो। link करेगी केमिस्ट्री यूरोपियंस मैंने आसे ले। Please mute yourself. एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। जदि प्रॉब्लम हम किसी सो यू रेज योर हैंड्स एंड देन यू कैन स्पीक। म्यूट योरसेल्फ की अनम्यूट ही रही जाती। श्रवण श्रवण प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्रवण हेलो। ओके सो आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। यस सर। ओके सो हमें मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री रो कनेक्शन करू करिला परे तारो केमिति यूरोपियंस माने आसिले हम देश को पोर्तुगीज केमिति आसिले कोन सेटा सब हम डिस्कस करू एंड से सब डिस्कस करिला परे केमिति गुडे यूरोपियन पावर्स माने से मानक भितर गुडे कंपटीशन हैला कि किए को यूरोपियन पावर रो एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया रे सॉवरेनिटी रहइबो एंड से ट्रेड करइबो। तो ब्रिटिशर्स माने समस्त को इलिमिनेट करले एंड सेटा में हमें देखिलु से देखिला परे लास्ट रे जो ब्रिटिशर्स सब यूरोपियंस मानक को इलिमिनेट करिला परे तापरे इंडिया को धीरे धीरे वन बाय वन तांके गेन करले सब सत्ता को तांके कैप्चर कले पावर को कैप्चर कले यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स एंड सेटा को आम तापर आमर जो मेन्स एंड प्रीलिम्स जो भी आम सिलेबस अच्छे से हिसाब से आम स्टार्ट कलु 1757 ता पूर्व भी आम बहुत गुड़ा सब इम्पोर्टेंट जिनस को लिंक करी बट 1757 रु 1813 पर्यंत आम मर्केंटलिज्म फेज से टोटल पॉलिसी जिते भी थी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सब देख लु इन द मर्केंटलिज्म फेज। ओके देन कम्स आवर इंडस्ट्रियल फेज एंड 1813 रु 1857 पर्यंत भी टोटली तार गवर्नर जनरल कौन थे कौन तर पॉलिसी थी सब जिन डिस्कस कर इंडस्ट्रियल पॉलिसी सॉरी इंडस्ट्रियल फेज एंड देन 1857 पर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इज 1858 रो ग्रेट रिवोल्ट। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 रो ग्रेट रिवोल्ट। तो सही डिस्कस करियो पूर्वर वी हैव डिस्कस नेशनलिज्म। व्हाई? बिकॉज नेशनलिज्म रो भावना जदि रहिबो तेबे ही कही जड़े रिवोल्ट करिबो
ओके अदरवाइज रिवर्ट एक्चुअली देखा मिलना ओके तो आम देखल कि फास्ट नेशनलिज्म कौन सीटा कौटी एक्चुअली कौटू से जन्म है यूरोप मेनली देखापी मिलता एंड यूरोप हमको इंडिया केमी कौन देखापी मिलला एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स मानक कौन कौन ओपिनियन अच्छी रिलेटेड टू नेशनलिज्म इन इंडिया सेटा आम इन द प्रीवियस क्लास डिस्कस करूँ ओके सो ये नेशनलिज्म जितेबाला समस्त हृदय जागृत है विभिन्न विभिन्न रीजन रे विभिन्न विभिन्न रिवोल्ट देखापी मिलला एंड से रिवोल्ट जाक जो है पढ़ा ओके सो नेक्स्ट टॉपिक आम जो पढ़ापी जीटाटे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल सो ये ब्रिटिश रूल बा ब्रिटिश साम्राज्य जो पॉलिसीज़ जाक आम देखिलु अप टू 1857 तो से जो पॉलिसीज़ जाक थिला से पॉलिसी किंबा से जो शासन थिला तार अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखापी मिली आम देश में रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड किए किए रेजिस्टेंस देखे एंड कौटा सब बड़ रेजिस्टेंस मूवमेंट से आम देखा सो जिनसटा कौन कि दिस इज द हेडिंग गिव द हेडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ओके रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आम मेनली तीन टा जिन देखा फर्स्ट हूँ ट्राइबल रिवोल्ट ट्राइबल्स माने एक्चुअली केमी रिवोल्ट कौन कले सेटा आम देखा नेक्स्ट इज रूरल प्रोटेस्ट बा पीजेंट रिवोल्ट नेक्स्ट इज रूरल प्रोटेस्ट रूरल गाँ गली पीजेंट्स माने मेनली रूरल एरिया रे पीजेंट्स माने रोगिले तो से माने कौन पे एक्चुअली प्रोटेस्ट कर दिसले वा कौन कौन इंपोर्टेंट तांकर भी प्रोटेस्ट रिवोल्ट जाकर देखिया देन कम आवर 1857 रो द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ इंडिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ताकू डिफरेंट डिफरेंट संज्ञा दिया जाऊ सो व्हाट हैपेंड चिन्मयी सो प्रीवियस क्लास रो गोटे डाउट थिला कौन जो डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न मॉडल एंड इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म रो सेकंड पॉइंट रे अपन कहिले जो सिंगल नेशन इन प्लेस ऑफ ए सिंगल नेशनल लैंग्वेज इंडिया बिकम ए नेशन ऑफ 14 नेशनल लैंग्वेज अ प्रेजेंटली नंबर इंक्रीजेस अप टू 22 तो से सेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज करा हबो कि नेशनल लैंग्वेज तो नाही हमरो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ओके ऑफिशियल लैंग्वेज रे 22टा लैंग्वेज रे सब जदि लिखिया जदि लिखा जीवो सब ड्राफ्ट एंड नोटिफिकेशन सो दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सो ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली आवर हिंदी एंड इंग्लिश एंड प्राय सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे जहाँ भी से माने ड्राफ्ट क्रिएट करिवे किछि भी जिंस तो ताको इंग्लिश लैंग्वेज रे अदरवाइज हिंदी लैंग्वेज रे तांके एक्चुअली लिखि गथि ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज ही नहीं कहूँ कि अच्छा सेमती भी कि ना आम जो है 22टा जो लैंग्वेज अच्छे से कौन अच्छे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कहते जोटा कि ऑफिशियल पर्पज पे जो लैंग्वेज लिखा हुए यूज हुए आपण लोकसभा रे वा आपण जहाँ भी जिते भी ऑफिशियल जगार कौ लांगुएज लोक कथबार्ता हो लांगुएज ड्राफ्ट क्रिएट होट इज ऑफिशियल लैंग्वेज से सब ऑफिशियल लैंग्वेज केमी हे 22टा भाषा को आपड़ के कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज ये सब लांगुएज जो 22टा लैंग्वेज अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में मेनसन कराई इन द 8th शेड्यूल बिकज दे आर द नेशनल लैंग्वेज
ओके सो जस्ट टू एकोमोडेट द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री आम एत सब लांगुएज को आम गोटे सिंगल नेशनल लांगुएज न रखिकी आम फास्ट तो 14 आम मेन मेन रखी तापर तार संख्याटा बढ़ी 22 आम रखीचु एंड इन द फ्यूचर से बढ़ी भी पारे Yes, sir. Okay. Is there any other doubt or clear? No, sir. Okay. So, ठीक अच्छे. Resistance against the British rule. So, गुटे tribal revolt, गुटे हला rural revolt, and गुटे हला main जुटा के 1857. And आरु बहुत question जाको आश्टे, सेड़ा जाम डिस्कस करेगा. बट आम सब नहीं जी 1857 रिवोल्ट पूर्व भी बहुत गुड़ा रिवोल्ट होता विच इज ट्राइबल एंड रूरल रिवोल्ट जाक से देखा नेक्स्ट टॉपिक राइट द सब हेडिंग इज द ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट तो ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट रे क्वेश्चन जाक जनरली मेन्स जब आस कि ये सब को भी ट्राइबल रिवोल्ट रो गुट फर्स्ट ना दे दिबो ना दे पारे एंड पचारिबो कि व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड दैट रिवोल्ट कौन पे से रिवोल्ट आ होतला एंड द व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट रिवोल्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के भी आसी नहीं टू बी ऑनेस्टली एबे जे ई क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन एते आसी नहीं बट हां वी कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन तो हमें फर्स्ट आरो जनरल कॉजेस देखिया कॉजेस बिहाइंड दिस ट्राइबल रिवोल्ट ट्राइबल्स मैंने कौन पे रिवोल्ट करते किसी इम्पोर्टेंट रिवोल्ट ता विषय आम चर्चा करवा ओके एंड तापर यहाँ आम टॉपिक को सर देन अगेन रूरल रिवोल्ट देखा रूरल प्रोटेस्ट रिवोल्ट सेकेंड तारे भी सेमती आम देखा कि जनरल कॉजेस जाक कौन कौन थी एंड कौन कौन इम्पोर्टेंट रूरल रिवोल्ट जाक आम देखा एंड विल मूव ऑन टू 1857 रिवोल्ट इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा आज आम दुईटा सेक्शन को डिस्कस करके सरिया चेष्टा करवा सो ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट फर्स्ट राइट द कॉजेस कॉजेस सो माय क्वेश्चन इज टू बबीता विल यू किसी भी पॉइंट आप गोटे कॉमन सेंस यूज करके लगुच व्हाट वुड बी द कॉजेस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट कौन पे ट्राइबल्स मैंने ब्रिटिशर्स मान एगेंस्ट रिवोल्ट कर मत लगुच कि से माने फास्ट रो तांकर जे एजुकेशन को इंडिया को दिला तो से माने को बहुत प्रॉब्लम होतला माने कन्वर्सेंस करे पई ते से तांकर ट्रेड ट्रेड जो माने से माने जो खान स्टाइल अदला बदल थला तो से टाइम में से माने अपन सब शोषण कर नथे तो से माने को बथे एथे पारे कि ट्राइबल्स माने कोन पेरिवर्ट बोले ट्राइबल्स माने जे कि जंगल भितरे रहउथिले ना माने सब जंगली लोग माने सब खणिज पई या फिर किछि पई से मानु को डिस्प्लेसमेंट करा जायथिला पथे डिस्प्लेसमेंट करा दले राइट राइट तो दैट इज दैट कैन बी ए पॉइंट ऑफ ए वेरी गुड पॉइंट तो बाकी जेतेले ब्रिटिश रूल रो एक्सपेंशन हैला सो धीरे धीरे देखिया पे मिलला गुडे ट्रायंगल कोन ट्रायंगल एटा होची ट्रिनिटी ऑफ एक्सप्लोइटर्स भी आमे कहू ट्रिनिटी ऑफ एक्सप्लोइटर्स जो माने की तीनटा मेन मेन ग्रुप्स माने जे कि एक्सप्लोइट करूथले ट्रिनिटी ऑफ एक्सप्लोइटर जे कि ट्राइबल्स मान को एक्सप्लोइट करूथले दिस आर ट्रिनिटी ऑफ एक्सप्लोइटर्स एंड दिस आर जमीदार जो जमीदार माने थे से माने एक्सप्लोइट करूथले सेकंड हेले मनी लेंडर्स माने भी एक्सप्लोइट करूथले ओके एंड कॉन्ट्रैक्टर्स तो जेतेबेले ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाऊँ तो धीरे धीरे से मानकर जो ये तीन टा जमीदार मनी लेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर ये तीन जनकर एक्सप्लोइटेशन ट्राइबल्स मानक बढ़ी जाऊँ एंड ट्राइबल रीजन्स रे भी से माने हस्तक्षेप बा इंटरफेरेंस जेतेबेले करुछंती सो ट्राइबल्स मैंने रागिकी तापरे रिवोल्ट जाक करिछंती ओके एंड ये ट्राइबल्स मैंने आउटसाइड पीपल जे बाहर जी आसी बाहर जो पीपल आसे कहते आउटसाइड जे कि आउटसाइडर जे कि बाहर जी आसते कहते दिकुस दिकुस कहते जे मैंने बाहर आसते एंड दिकुस मैंने बहुत एक्सप्लोइट करते सो दैट इज द फर्स्ट रीजन राइट
with the expansion of British rule in India. Trinity of exploiters. Bracket लिखंतु जमीदार money lender and contractor. Trinity of exploiters, जमीदार money lender and contractor. Reached in tribal region. Big quick. ठीक है एक्टिव ही की बसंतु ओके एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करे कि एक्टिवली लेखालेखी भी करंतु नोट्स भी तैयारी करंतु एंड जो मैंने लिखू नहांती नोट्स प्रिपेयर करू नहांती सो माय सजेशन इज दैट यू प्लीज नोट्स ता मेंटेन करो नोट्स लिखो जितने भी टाइम लगे नोट्स ता करो सेटअप कौन लिखाई छे कौन कहले এটা যেতবে মু লিখুথিলি লিখিলে না নাই আপনা মানে মনি লেন্ডার এটা ডায়াগ্রাম ভি করিয়ার আছে ওকে মু খালি যাহা ডাকিবি সেইটা হি লিখিও বলি মানে নাই যাহা জিনিস লিখুছি ফ্লো চার্ট করুছি সব জিনিস লিখিয়ার আছে মনি লেন্ডার কন্ট্রাক্টর এন্ড জমিদার So with the trinity of exploiters reached in tribal region and exploiters were called as dikus. So jetebele Britishers mane asile to se mane ट्राइबल्स मानक सहित इंटरफेरेन्स कर स्टार्ट करते बिकज तर एरिया रे किसी माइनिंग जमी कहले कि माइनिंग पर्पज पर डिस्प्लेस करपे कि जो जगार कल्टिवेशन करते जगह को टैक्स मगुले सोसाइटी इकोनोमिक स्ट्रक्चर रे इनफ्लुएंस कले इंटरफेरेन्स कले प्लीज म्यूट योर सेल्फ फुल दिस सो जेतेबेले ब्रिटिशर्स मैंने सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल्स मानक जितेबाला इंटरफेरेन्स देखा मिलला सो तापरे जितेबाला इंटरफेरेन्स है तो ट्राइबल्स मानक अनकम्फर्टेबल लगे एंड धीरे धीरे जितेबाला नाकर पानी उपर पड़ेगा तो से निज जगार रिवोल्ट भी करके दैट इज द फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन इज राइट ट्राइबल्स वेर sent to outside region tribals were sent to outside region tribals were sent to outside region as indentured labor सो इंडेंचर्ड लेबर जानी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सुचिस्मिता कैन यू अदरवाइज जे भी जानी व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर यू कैन रेज योर हैंड्स सर मो बाबू छे ओचे सर स्लेविंग ट्रेड जो टाइप रा से टाइप स्लेवरी टाइप को शोषण करा मेनली कौन होतला कि जेते बेले लेबर्स एबे देखन तू लेबर्स रो केते प्रॉब्लम अछ जेते बेले भी आप एक्सपीरियंस कर निजर कंस्ट्रक्शन वर्क है जमीवाड़ी वर्क है लेबर्स मिलून तो सिमिलरली ब्रिटिशर्स मानक भी तरह जितेबाला जो कॉलोनीज थे लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज सेंट्रल अमेरिकन कॉलोनीज अफ्रिकन कॉलोनीज तो सही एक्चुअली जितेबाला लेबर डिमांड होता सो से सर्च कले कि लेबर कौटू मिले तो इंडिया वाज ए राइटफुल चॉइस एंड से देखिले इंडिया रे बहुत पॉपुलेशन अच्छी को पैसा भी दरकार तो इनको जदि पठेगला अलग जगार तो एज ए लेबर एज ए स्लेव लेबर पठे दि जाऊ
ओके एंड ताकू आमे इंडेंचर्ड कौन पाई कहूँ बिकज से गोटे कंट्राक्ट होगा कि एतिक वर्ष पाई तुम्हें निजी सरेंडर कल एंड एतिक वर्ष पाई तुम कंट्राक्ट दिया है तुम्हें सही कम कर तो बहुत गुड़ा सब इंडियंस मैंने सही रही जाते एवं जैसे सेटल होकर रही जाते ओके सो डाटा दिस पीपल्स फर इंडेंचर्ड लेबर तो ट्राइबल्स मानक बाहर पठे जाए मेनली झारखंड बिहार नॉर्थ वाला साइड रू बहुत गुड़ाए सब ट्राइबल्स मानक पठे दि जाता टू द लैटिन एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज एंड टू द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इंडेंचर्ड लेबर एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडेंचर्ड लेबर दैट वाज एक्चुअली फोर्सफुली पठे दि जाऊला सो फोर्सफुली लोक मानक जो पठा हे तो सहीटा डेफिनेटली इट लीड्स टू ए रिवोल्ट ओके सो द सेकेंड पॉइंट वर्षा एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखु रेस्ट्रिक्शन ओवर द प्रोडक्शन ऑफ restriction over the production of country wine and opium so actually tribals mane tankaro ude eta ude tradition tankaro wine opium eta sabu tanke daily consume karanti daily se mane tiyari bhi karanti मैंने सब जो प्रडक्शन करुले तो ब्रिटिशर्स मैंने गोटे रेस्ट्रिक्शन लगे कि तुम्हें एमती करपर ना से आम करूँ एंड आम करके बिकु तुम्हें करपर ना तुमको जब दरकार तो आम किण तुम्हें अदरवैज तुम्हें जब कर टैक्स दि आमको सो एंड डिफरेन्ट डिफरेन्ट एरिया डिफरेन्ट डिफरेन्ट जो रेस्ट्रिक्शन जाक लगेगा ट्राइबल्स मानते जो मैंने कि सेंचुरीज एंड सेंचुरीज वर्ष है ये सब जिनस ट्रेडिशनली करती ओके सो वाइन एंड ओफियम प्रोडक्शन जिते बड़े रेस्ट्रिक्शन है तो से मैंने भी रागिगले सो एंड दिस इज अल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द ट्राइबल रिवोल्ट एंड यू कैन सी कि ट्राइबल्स मैंने सिफ्टिंग कल्टिवेशन करती सिफ्टिंग कल्टिवेशन तो गोटे जगार कल्टिवेशन कले सब जिन जाड़ीदेपर अलग जगह को पड़े सेटी कल्टिवेशन करेंगे तापर से भी जाड़ीदेवे तो डाटे सिफ्टिंग कल्टिवेशन स्लाश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते तो ब्रिटिशर्स मैंने कहले कि ट्राइबल्स मानक कि ये जो सिफ्टिंग कल्टिवेशन तुम करा तुम आपर ना सो टू पुट एन बैन ऑन सिफ्टिंग कल्टिवेशन तो सिफ्टिंग कल्टिवेशन जो बैन हो गला तो गोटे जेनराल टेंडेन्सी अच्छी कि आम जो जिन चलिए आसीचु हाँ बहुत वर्ष धरिकी जो गोटे जिन चली आसी एंड आउ किए जब आसिक चेंज करुच्छे तो डेफिनेटली पीपल्स मैंने रिवोल्ट करेंगे रेजिस्ट करेंगे तो जो सिफ्टिंग कल्टिवेशन को ब्रिटिशर्स मैंने बंद कर दे बैन कर दे कि तुम्हें यहाँ करपर ना बट ये सब जिन वन टाइप अफ हेट्रेडने क्रिएट कला एमंग द ट्राइबल्स एगेन्स्ट द ब्रिटिशर्स एंड से रिवोल्ट लगे This is the fourth important reason. Okay, next right. कि जितने क्रिश्चियन मिशनरीज मैंने आसिले तो से मैंने सब गाँ गली एंड से प्रचार कले क्रिश्चियन धर्म एंड क्रिश्चियन धर्म जो प्रचार कले तो धर्म को लेकिन वेरी सेनसीटिव आम इंडिया एंड सी जो क्रिश्चियन मिशनरीज मानक एगेन्स्ट से लगला कि क्रिश्चियन मिशनरीज मैंने आम धर्म उपरे खेलवाड़ करम धर्म सहित इंटरफेयर करा तो टोटाली इनटॉलरेबल हो गला सो इट वाज राइट इट वाज रिएक्शन एगेन्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज It was a reaction against Christian missionaries in eastern part of India, especially eastern part of India. So it was a reaction against Christian missionaries.
इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली क्रिश्चियन मिशनरीज मानकर अगेंस्ट रे भी से मानकर एक्चुअली रिवर्ट एक्चुअली है नेक्स्ट कि ट्राइबल्स मैंने जो तक बिलीव करती कलेक्टिव ओनरशिप फास्ट बुझु कौन से एक्चुअली जहाँ भी प्रॉपर्टी जहाँ भी एरिया अच्छे तो ताकि कहते कि यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप आम कलेक्टिवली से ऑन करुच समस्त कलेक्टिवली आम ये ऑन कर बट ब्रिटिशर्स मैंने जो आसे कहे कलेक्टिव ओनरशिप बोली जिनस ना दैट इज इंडिविजुअल ओनरशिप इंडिविजुअली आम सब जिन सब लैंड को आम बिकबू एंड टैक्स कलेक्शन करूँ तो ब्रिटिशर्स मैंने कौन कले इंडिविजुअल ओनरशिप को प्रमोट कले बट ट्राइबल्स मैंने सब बिलीव करते कलेक्टिव ओनरशिप व्हाट इज कलेक्टिव ओनरशिप को ताकि कहते खुट कांटि राइट खुंट काठी राइट सो द कलेक्टिव ओनरशिप कि आम सब मिसिकी इटा एक्चुअली ऑन करूँ एंड ये जहाँ भी आम कम निजे सब मिसिकी कर पारू ओके गोटे नदी अच्छी पॉन्ड गोटे अच्छी दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप समस्ते मिसिकी यूज करें सब मिसिकी तार डेवलपमेंटल वर्क करें समस्ते मैंने मिसिकी जहाँ भी कर दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप तो बट ब्रिटिशर्स प्रमोटेड इंडिविजुअल ओनरशिप एंड दिस कलेक्टिव ओनरशिप को एक्चुअली ट्राइबल्स मैंने कौन कहते कि यहाँ हूँ आम खुट काठी राइट एंड खुंट काठी राइट को ब्रिटिशर्स मैंने नहीं जाइंट तो राइट दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव ओनरशिप ब्राकेट लिखु खुट काठी राइट राइट ट्राइबल्स बिलीव्ड इन खुंट काठी राइट ट्राइबल्स बिलीव्ड इन खुट काठी राइट कलेक्टिव ओनरशिप while the British system introduced individual ownership. तो main कौन एटा हूँ overally जो भी आपण को जदि क्वेश्चन पळे आसुचि सर फाइल द ब्रिटिश साफरी कंडक्टर कोण कहले सर फाइल द ब्रिटिश साफरी कोण कहले व्हाइल द ब्रिटिश सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल ओनरशिप एंड द ब्रिटिश सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल ओनरशिप सो दीज आर द जनरल कॉजेस और द इम्पोर्टेंट कॉजेस बिहाइंड द ट्राइबल रिवोल्ट एंड मूवमेंट तो क्वेश्चन जो भी रिवोल्ट पल जो रीजन आपन को देवार अच्छे ये सब पाँच छटा पॉइंट आप लिखिपर ओके बिकज अलमोस्ट एवरी वे ये सब रीजन पर ही एक्चुअली ट्राइबल रिवोल्ट एंड किसी इम्पोर्टेंट रिवोल्ट आम देखा फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्ट आम देखा जोटा कि कोल अपराइजिंग बहुत गुड़ाए रिवोल्ट जाक जैक फिलिम्स इम्पोर्टेंट अच्छी ओके बट नॉट मच इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट आम कही पार बहुत गुड़ाए सब रिवोल्ट जाक अच्छे तो मुझे गोटे PDF देदेवी आपको सब टाइप ऑफ रिवोल्ट जाक मेनसन हो ओके डोंट वेरी सो बट आम ये सब रिवोल्ट को आम डिस्कस कर पारा ना कौन है सर हूँ इंग्लीश मान को ट्राइबल मान दिकुबली डाकुले दिकुबली कहते सर मेनली लुण पाई गोटे सर रिवोल्ट गोटे कमन सल्ट सेटा भी गोटे कारण हो पार सर ना मत तो कहीं लगे ट्राइबल्स मैंने लुण कौन पाए कोस्टल एरिया ट्राइबल्स मैंने रो नए एंड रही भी थे तो वेरी रेयरली देखा मिलूना लुण ठीक अच्छे बट यू कैन राइट बट नॉट द फर्स्ट दु तीन टा पॉइंट से मेनसन करेंगे लास्ट रे यू कैन मेनसन दैट इन द 6th नंबर 7th नंबर पॉइंट रे
तो मे बी कुकु जगह सेटा हेई थई पारे बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट ओके सो मे बी इट कैन बी बट दैट इज नॉट अ मेजर पॉइंट ओके सो कोल अपराइजिंग इंपोर्टेंट रिवोल्ट कोल अपराइजिंग जो कि 1831 कोल गोटे मेनली ट्राइबल्स मानक एक्चुअली गोटे वन टाइप अफ जी एवं सांथाल अच्छा मुंडा अच्छा अलग अलग सब ट्राइबल्स मानक ना जाकर सो सेमती गोटे कोल बोली गोटे मेनली छोटा नागपुर वाला जो रीजन अच्छी छोटा नागपुर प्लेट यू तो से एरिया रे ही एक्चुअली गोटे कोल अपराइजिंग देखा मिलता 1831 से टाइम एक्चुअली विलियम बेल्टिक थी आमर गवर्नर जनरल एंड विलियम बेल्टिक तो तापरे से टाइम रे बाकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही नथिले तो बट हाँ थिले तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो एरिया थिला सेठी ए कोल अपराइजिंग हमको देखा मिलला एंड एठी जो रीजन जाक से कौन पे एक्चुअली देखा मिलता बिकज ऑफ द रीजन्स आम तो उपरे देखिलु ये सब ही रीजन थिला मेनली ये जो एक्सप्लोइटेशन एत अधिक होता इंडेंचर्ड लेबर ओके एंड तांकर जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो झूम कल्टिवेशन थिला ताऊपर बेन लगे दी जाइला तो आम जो उपरे जो रीजन जाक पढ़लु सी सब रीजन रही लगी कोल अपराइजिंग एक्चुअली 1831 देखा मिलता सीठर लीडर्स मैंने जेकि स्टार्ट करते लीडर मैंने ये सब कोल अपराइजिंग को स्टार्ट करते ना था बुद्धु भगत जोआ भगत जिंदराई मांकी जिंदराई मानकी सुई मुंडे सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लीडर्स जी की कोल अपराइजिंग स्टार्ट कर दिए ओके एंड कोल अपराइजिंग एरिया मेनली छोटा नागपुर रो जदि झारखंड जाइए सो यू कैन नो दैट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग मनभूम ये सब डिफरेंट डिफरेंट जगह रे मेनली छोटा नागपुर रो जगह जाक सब झारखंड रो ये टोटल एरिया झारखंड रे स्प्रेड ही जाइए ओके तापर ब्रिटिशर्स मैंने जाने कोल अपराइजिंग पर कि आम आमको कौन करा पड़ो ट्राइबल्स मानी लॉ डिफरेंट रखा पड़ो एंड ट्राइबल्स मान बाहर आउटसाइड पीपल्स मानक लॉ डिफरेंट रखा पड़ो ना बहुत असुविधा देखा मिलता से मानक सो से मजबूर हो गले ब्रिटिशर्स मैंने कि पॉलिसीज जाक विथ रिलेटिव टू ट्राइबल्स चेंज करने लगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कोल अपराइजिंग 1831 मेनली ये सब रीजन ही एक्चुअली होता रीजन तो आम जाचु किए किए स्टार्ट करते को जगार होता एंड केतला सीटा आम मेन इम्पोर्टेन्ट जिन ओके नेक्स्ट सेकेंड इम्पोर्टेन्ट रिवोल्ट आम डिस्कस करवा दैट इज सांथाल अपराइजिंग सांथाल अपराइजिंग तो यहाँ भी एक्चुअली 30 June 1855 देखा मिलता जस्ट दुई वर्ष पूर्व 1857 रो जो ग्रेट रिवोल्ट था तार दुई वर्ष पूर्व ये देखा मिलता एंड आपको स्टार्ट किए करते सिद्धू एंड कानू को जगार एक्चुअली स्टार्ट होता भागलपुर ये भी झारखंड वाला एरिया रे एक्चुअली भागलपुर भागलपुर एंड राजमहल गेप जो अच्छी तो भागलपुर एंड राजमहल रो एरिया मछी रे जो एरिया थिला से एरिया को भी एक्चुअली आम दमन आई को रो नारे भी जानतु दमन आई को एडा प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आस्तिला इन द यूपीएससी दमन आई को एक्चुअली को दमन आई को माने सांतल रिवेलिन कोडी हेथिला सिंपल क्वेश्चन तो दमन आई को रे भी हेथिला एंड दमन आई को कोन भागलपुर एंड राजमहल रो भितरे पड़ुवा जगह को आम दमनाई कह कौ एंड सी एरिया रे एक्चुअली होता कौन सांथाल अपराइजिंग किए किए तार लीडर्स मैंने थिले सिद्धू एंड कानू ओके सिद्धू आउ कानू कौन कले 10,000 सांथाल को लेकिन विद्रोह करते क्या सहित ब्रिटिशर्स मान सहित ओके
तो बहुत बड़ मोमेंट गोटे सेटा भी एंड ब्रिटिशर्स माने तापरे ये ट्राइबल्स मान को आउ हल्के रे आउ नेले तापरे से माने जानी गले कि ट्राइबल्स माने गोटे अलग एंड सो ट्राइब ब्रिटिशर्स माने कौन कले लास्ट रे सांथाल रो गोटे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट गोटे तैयारी कले एंड से डिस्ट्रिक्ट ना देले सांथाल परगना तो से माने आगे रिकॉग्नाइज करू नथिले ट्राइबल्स मान को तो लास्ट रे तापरे आपको गोटे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बा डिफरेंट परगना करदे किए ब्रिटिशर्स मैंने एंड सी एरिया को सांथाल परगना बोली कहे एंड एठी भी तांके सब जो भी लॉ जाक अच्छी डिफरेंट लॉ जाक एठी गोटे डिफरेंटली इम्प्लीमेंट करा ऑल ओवर इंडिया रे जमी गोटे लॉ अच्छे यूनिफॉर्म लॉ ट्राइबल एरिया रे आम इम्प्लीमेंट कर पारू ना बिकज से चिंताधारा अलग अच्छे ट्राइबल्स मान गोटे रहीबार शैली तांकर जेते की भी जिनस अच्छे लाइफ स्टाइल रू हो कि इकोनोमी हो कि एडमिनिस्ट्रेशन हो सब जिनस अलग अच्छे तो लॉ भी अलग करने पड़ो ओके तो तापर ब्रिटिशर्स मैंने रियलाइज कले एंड ये जनरली ये टाइप ऑफ रिवोल्ट होता ओके सिद्धु बाबू कानू नेतृत्व में ओके एंड ए टाइम रे जदि देखिबे कि किए आम गवर्नर जनरल थिला सो डलहौसी बोलते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके तो डैट इज अबाउट सांथाल अपराइजिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिवोल्ट देखा मुंडा अपराइजिंग मुंडा रिवोल्ट एंड मुंडा रिवोल्ट बा कुलगुलाम यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन आसाला 2022-23 मुंडा रिवोल्ट विषय मुंडा और कुलगुलाम रिवोल्ट वेरी इंपोर्टेंट रिवोल्ट यहाँ क्वेश्चन ओपीएससी भी आूपीएससी भी आंड वेरी सिंपल क्वेश्चन सब कौ एरिया होता किए कर जेनेल कौन तार मिंदी रिजन थिला तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मेनली ये मुंडा जो ट्राइब माने थिले से जगह को एनक्रोचमेंट कराई थी किए एनक्रोचमेंट कर ब्रिटिशर्स मैंने एनक्रोच कले 1895 घटना तो आप बिरसा मुंडा कहले कि बाहर लोक मैंने आसिकी आमर एरिया सहित कौन एनक्रोचमेंट करमर इंटरफेरेन्स कौन करमर इंटरनाल जिनस तो बिरसा मुंडा समस्त को मोबिलाइज कले बड़ बड़ भाषण मारे तापर निजर गोल्डेन पास्ट उपरे तांके कहिले कि आम उपरे कौन पे विदेशी मैंने आसिकी आमर उपरे अत्याचार करेंगे आमर उपरे रूल करेंगे तापर धीरे जेते मोबिलाइज करेंगे तांके निजे निजको भगवान बोली भी बेले बेले संबोधन करिसेंती एंड लोक मैंने भी तापर लास्ट तांको भगवान रो दर्जा देइछेंती तो धीरे धीरे जेते ब्रिटिशर्स मैंने इंटरफेरेन्स अधिक हला तो तापर यांके कौन करथिले रिवोल्ट स्टार्ट कर दिथिले ओके तो रिवोल्ट मेनली कौन पे स्टार्ट होता बिकज ऑफ द लैंड वाला इश्यू पे कि एम जो ट्रेडिशनल लैंड राइट थी सहीटा ब्रिटिशर्स मैंने नहीं जाइए ओके एंड लैंड तो नहींगले एंड टैक्स बढ़े दूसरे उपरे टैक्स मगुले जोटा कि केवे भी ट्राइबल्स मैंने क्या टैक्स दे नए तो एक्चुअली मुंडा कहले कि जो दिकुस मैंने अच्छा यूरोपियंस मैंने अच्छा से मैंने होंगे रावण एंड ये रावण मानक एक्चुअली आमको कौन करने को पड़ो आम वन काइंड ऑफ राम एंड दैट ही इज रावण एंड ताकू आम डिस्ट्रॉय करियार अच्छे तापर बिरसा मुंडा ही एक्चुअली बिरसा मुंडा स्टार्ट करते विथ हिज फॉलोअर ओके तो बिरसा मुंडा लीडरशिप ने एंड तापर डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन चर्च डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस रे रेडिंग कले रेड कले लूट कले मारे से ऑफिसर मान को मारे एंड एमती बहुत एमती किसी मस चलना एंड तापर मनी लेंडर्स जमीदार्स मान को भी लुटवा स्टार्ट कले ओके एंड तक गोटे व्हाइट फ्लाग तक जुआड़े देखते गोटे व्हाइट फ्लाग मैंने जमीक आम इंडिया आज फ्लाग अच्छी तो निजर भी एरिया गोटे फ्लाग कर देते व्हाइट फ्लाग एंड तापर तक डिफरेंट डिफरेन्ट पुलिस स्टेशन चर्च गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मनी लेंडर्स घर जमीदार घर जो मैंने कि अत्याचार करते अटैक कर देते ओके तो अटैक कले बहुत गुड़ा सब रिवोल्ट भी है एंड 1900 आसु आसुके मरीगले ओके एंड ते मरला से जो रिवोल्ट थिला सेटा धीरे धीरे सप्रेस होगा ब्रिटिशर्स मैंने सप्रेस कले बंद कर दे ओके एंड एक्चुअली रिवोल्ट थिला सेमती किसी इम्पोर्टेंट जिनस ही नहीं तो गोटे गवर्नमेंट
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थिले ए सब जिनस हला परे तो मेनली तांकर लैंड उपरे राइट्स को रखिया पई जो ट्राइबल्स थिले मुंडा वाला ट्राइबल्स ट्राइबल्स मानकर जो राइट थिला लैंड राइट से लैंड राइट को मेंटेन रखिया पई आ हमें इंटरफेयर न करियो तो लास्ट रे गुटे एक्ट गुटे पास हला छोटा नागपुर रेवतवारी एक्ट छोटा नागपुर रेवतवारी एक्ट गुटे पास हला एंड ई एक्ट जो पास हला ई कानून जो पास हला ई कानून रे मेंशन हला कि जो ट्राइबल्स माने मुंडा ट्राइबल अछंती सेमानकर जो एसेंशियल राइट्स जोडा लैंड उपरे रहबा दरकार सेडा थाउ जोडा आगुरु थिला सेटा तांकर लैंड उपरे राइट थिवो आमे सी राइट को आमे हो नउनु सो एमिति रे तापर जिंस जो सब रहला तो ए बिट सक्सेसफुल आमे कहि पाइला बट मुंडा रिवोल्ट देखंतु 1857 रिवोल्ट परर कथा हे गाना ओके बट हां आमे तो जेहेतु पढिलु ट्राइबल्स रिवोल्ट तो आमे एडा भी पढ़िलु एटा तीन टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक आसी सो बाकी सब जो ट्राइबल रिवोल्ट अच्छे से एक्चुअली आपको टिके टिके देखा पड़ो ओके तार पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करदेवि तो मेनली कौन पढ़े आप रिवोल्ट तार डेट केवे तार एरिया को जगार होता को स्टेट्रे एंड तार लीडर किए इंपोर्टेंट लीडर थे सबुर ना बट जेते की भी पढ़े ये चारिटा जिनस ही मेन ट्रिलटा भी प्रिलिम्स इंपोर्टेंट जहाँ भी रिवोल्ट अच्छे रिवोल्ट केबेला को एरिया रे हला एंड तार लीडर किए थे एति की खाली मन रखिए ओके पीडीएफ को सेंड कर दी सो नेक्स्ट एवं पढ़ा आम रूरल प्रोटेस्ट रूरल प्रोटेस्ट बा विलेजेस बा रूरल एरिया रे कौन कौन प्रोटेस्ट जाक मेनली देखा ना तो फर्स्ट देखिए रूरल प्रोटेस्ट जो देखा तो रूरल एरिया रे फर्स्ट किए रोले रूरल पॉपुलेशन रे को माने एक्चुअली रोले मेनली रूरल पॉपुलेशन रे कौन कौन आसवे जी हेल्ला लोकल रूलर्स तो लोकल जगह रे लोकल सीट जो रूलर थे से मैंने रोले जमीदार मैंने रोले ओके पीजेंट्स मैंने रोले एंड मोस्टली पीजेंट्स मैंने ही रोले शेयर क्रोपर रोले शेयर क्रोपर एटसेट्रा बट मेनली 85-90% लोक पीजेंट्स एंड शेयर क्रोपर्स थिले बाकी बहुत कम लोक ही रूलर एंड जमीदार थिले ओके एम आई ऑडिबल ना वॉइस ब्रेक होउछ तो रूरल पॉपुलेशन रूरल प्रोटेस्ट रे मेनली ए सब लोक थिले एंड मेनली जो प्रोटेस्ट कर पीजेंट्स माने प्रोटेस्ट कर ओके एंड पीजेंट्स माने कौन पे प्रोटेस्ट करथिबे जमीदार्स भी केते केते एरिया रे जमीदार्स माने भी प्रोटेस्ट करछंती केते केते एरिया रे लोकल रूलर्स भी प्रोटेस्ट करछंती ओके एंड कोन पई करूथले प्रोटेस्ट जाको तो एडा गुटे जनरली कॉमन सेंस भी हमें जदि यूज करबा सो वी कैन आंसर दैट कोन हला सर मेनली रेजिंग इन टैक्स सिस्टम हां सर इट वर तापर होची टेंपरेरी राइट्स ऊपर सर होची हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटिश मैंने राइट राइट सो मेनली जिते ब्रिटिशर्स मैंने गोटे जगह को कैप्चर करूँ तो कैप्चर कलापर तार एडमिनिस्ट्रेशन तार से मैंने नहीं जाते निज हाथ में सो एडमिनिस्ट्रेशन नेला पर जो लोकल रूलर जार बेसी बोलवाला रोला सी बेचारा कौन कर से बेचार रोल आउ सरीगला सो लोकल रूलर्स मैंने एज वेल एज जमीदार्स मैंने जमीदार्स माने भी एक्चुअली रिवोल्ट करते वाय बिकज यू रिमेम्बर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल तो सीटी कौन होता जो जमीदार्स माने जो थे पुराणा जमीदार्स मानू डिस्पेन्स अफ करे अधिक पैसा देता वेरेन हेस्टिंग मन रखु रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम आम पढ़ी एंड इन दैट फार्मिंग सिस्टम जे कि हाइएस्ट बिडर जे कि हाइएस्ट पैसा देव ताकू ही सी राइटा दिहब कि सी लैंड टैक्स कलेक्शन कर सो जो जमीदार्स ओल्ड जमीदार्स थिले तांकु रिप्लेस करी
ओल्ड जमीदार को रिप्लेस करके नुआ नुआ जमीदार माने तांकर प्लेस रे आसिले जे कि अधिक पैसा रे सिलेंड को किनिथिले ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट ई जमीदार माने भी बेले बेले प्रोटेस्ट करिसथि ओल्ड जमीदार माने लोकल रूलर भी प्रोटेस्ट करिसथि ओके एंड पीजेंट्स पीजेंट्स माने तो प्रोटेस्ट करिवे ही बिकॉज तांकर ऊपर टैक्स रो बर्डन अधिक थिला तांकर कमर्शियलाइजेशन कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करिया पई तांको जबरदस्ती कराउथला तमे निजरो क्रॉप नहीं आमे जो ब्रिटेन रे जो क्रॉप दरकार तुम्हें सही क्रॉप को ही तुम्हें प्रोड्यूस करिवो तो कमर्शियल क्रॉप्स रो प्रोडक्शन बाध्य कर दिया जाइथला तो से माने पीजेंट्स माने क्रो ऊपर ई सब लागी से मानकर भी एक्चुअली रिवोल्ट करिथिले बहुत सब शेयर क्रॉपर्स मानकर तो सब बेले शोषण होउछे तो से मान तो करबे पार्टिसिपेट इवन आमर जो रूरल आर्टिसंस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जे चलाउथिला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रे जो माने काम करूथिले जोटा कि रूरल आर्टिसंस माने ए जो छोटिया मोटिया जे कि काम करंदे छोट छोट इंडस्ट्री रे तो से जेते बेले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला माने रखंतु डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जेते बेले इंग्लैंड रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतला तो इंडिया रे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतला छोट छोट से जते भी उद्योग थिला से सब पतन हो गला तो से माने बहुत गुड़े अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिलला एंड दैट इज आल्सो ए रीजन कि सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रो जिते भी अनएम्प्लॉयड लोक माने थिले से माने एग्रीकल्चर रे आसिले एंड से माने तापरे अगेन प्रोटेस्ट जे तोले हला तो तांके भी पार्टिसिपेट कर छथि प्रोटेस्ट रे ओके सो लाइक राइट द कॉजेस सर बेसिक नीड वेर भी क्राइसिस देखा है थी सर फसल कमी जीवा को तापरे होचे ने टैक्स बढ़ी जीवा को से माने खाद्य अभाव ए जीवा को सेटा भी गोटे कारण ओके राइट फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश रूल replaced some जमीदार British rule replaced some जमीदार and local ruler जेहेतु local ruler जमीदार को replace करा जाएगा तो ये माने भी leadership नहीं कि बहुत बड़ा villages रे rural protest देखिया पे मिलता And the second important point is the balance in revenue system. The balance in revenue system was disturbed. Balance in revenue system was disturbed. जो tax collection system थिला, सेटा disturbed थिला, extra tax collection कोड थिले, तो सेटा कोई लिखाई चुके. तो बैलेंस इन द रेवेन्यू सिस्टम वाज डिस्टर्ब जो हिसाब रे टैक्स कलेक्शन अर्लीयर होतला सेटा अबे चेंज हो गला एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन होतला तो बैलेंस इन रेवेन्यू सिस्टम वाज डिस्टर्ब नेक्स्ट राइट प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप adversely affected affected the production of coarse grain jo ki poor men diet jo ki se mane khau thile millets and all so production of commercial crop एडवर्सली एफेक्टेड ही प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन तो जबरदस्ती से मानक इंडिगो प्लांटेशन हला कि ऑफियम प्लांटेशन हला ये जो जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप जाक जो उगा हला तो कोर्स ग्रेन से करूँ से प्रोडक्शन करें ना इवेन फेमाइंस जाक भी आम देखी कि फेमाइंस जाक भी होता बहुत गुड़ा फेमाइंस होता एंड तापाई किसी भी स्टेप से नौ नौले एंड फेमाइंस भी गोटे रिजन था रेलवे एंड दिस कमर्सील क्रॉप आम बिकज मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन आम प्रड्यूस करूनु एंड अधिकरू अधिक ग्रेन्स जाक ड्रेन हो जाता ब्रिटेन रे तो आमको जो जी परिमाणर ग्रेन दरकार थी आमको से मिलून जितेबाद क्रॉप फेल्यूर देखा मिलूला सो फेमाइन जाक भी होता सो दैट इज आल्सो वी कैन रीजन वी कैन राइट द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एडवर्सली इफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन नेक्स्ट राइट एक्सेसिव बर्डन
एक्सेसिव बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, एक्सेसिव बर्डन ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके फोर्थ रीजन, नेक्स्ट राइट फिफ्थ रीजन, द एलियन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, द एलियन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स मैंने गोटे एलियन टाइप ऑफ थिले एंड तांके व्यवहार भी करुथिले कि तांके एलियन बोली बिकज तांके नुआ नुआ सब रूल्स रेगुलेशन लॉ सब इम्प्लीमेंट करुथिले। तो जो पीजेंट्स मैंने तांकर निजर जागा उपरे तांके जो पीजेंट्स मैंने चाष करुथिले तो जो सिस्टम जो हिसाब से डिवाइस कराला सो से जो पीजेंट्स निजर जागा उपरे जो करुथिले तो तांके टेनेंट्स हेगले, पीजेंट्स कन्वर्टेड इंटू टेनेंट्स जेतोले डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिशर्स माने जो पॉलिसी यूज करी लैंड को जेतोले डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी आइला जेंती कि परमानेंट सेटलमेंट हैला वेरन एस्टिंग रो भी सी जो रेवेन्यू ऑक्शन ऑक्शन फार्मिंग सिस्टम हैला रोयतवारी सिस्टम महलवारी सिस्टम ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी जेतोले इंप्लीमेंट करले तो जो पीजेंट्स माने थिले से माने टेनेंट्स ही गले एंड सब लैंड एक्चुअली जमीदार हाथ में पड़ा आसला बा अलग लोकंकर हाथ में पड़ा आसला जी कि ब्रिटिशर्स मानक टैक्स कलेक्शन करके देउथिले। तो प्रॉब्लम है कौन कि जो पीजेंट्स मैंने थे से मैंने टेनेंट्स ही गले एंड से तांकर एक्चुअली जो आगे फ्रीली काम करते एवं जबरदस्ती काम कर मजबूरी रे काम कर टैक्स भी कलेक्शन ये अधिक हो जमीदार्स मैंने पुणी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोटेशन कर जमीदार्स मनी लेंडर्स मानकर तो पीजेंट्स मान हाल बहुत खराब। ओके सो बहुत गुड़ा रिवोल्ट जाक देखा मिली तो मेनली आम दुईटा इंपोर्टेंट रिवोल्ट आम देखा टू इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जैक इम्पोर्टेंट फर्स्ट हूँ इंडिगो रिपोर्ट, इंडिगो रिपोर्ट वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इंडिगो रिपोर्ट 1860 इंडिगो रिपोर्ट 1860 इंडिगो रिपोर्ट होता कौटी होता एक्चुअली यू विल सी दिस रिपोर्ट इन बेंगल बेंगल वाला जगह 1860 इंडिगो रिवोल्ट हमको देखिए आपको मिलता है। सर लीडर क्यों मिले सर कौन जी डोंट वरी। सो इंडिगो रिवोल्ट 1860 The indigo movement को हमें कहूँ the first modern type of peasant revolt. It was the first modern type of peasant revolt. तो प्रॉब्लम कौन है बेंगल रे जो पीजेंट्स मैंने थे ब्रिटिशर्स मैंने से फोर्सफुली कहले कि तुम्हें इंडिगो ही प्रोडक्शन करिबो इंडिगो प्रोडक्शन आउ जो भी जहाँ जिनस कर करो ना इंडिगो प्रोड्यूस करो एंड ताकू फर्टाइल तुम जो फर्टाइल लैंड अच्छे से प्रोडक्शन करो बट ब्रिटिश पीजेंट्स मैंने कहले कि इंडिगो एक्चुअली जदि आम प्रोड्यूस करवा तो आमर जो फर्टाइल लैंड जो अच्छे से एक्चुअली बंजर हो दुई तीन वर्ष पर एंड तापर आमर जो मेन क्रॉप आम से प्रोड्यूस कर पारू ना एंड से जबरदस्ती कराला कि ना तुम इंडिगो ही प्रोड्यूस कर एंड प्रोड्यूस कलापर तुम्हें जबरदस्ती कराला कि तुम्हें एति रेट्रे
आमको ही बिकिबो गोटे फिक्स प्राइस करदे कि जहाँ भी हो तुम फसल जहाँ भी हो तुम भल हो मंद हो आम बुझू ना आमको एति पैसा तुमको से जिनसा बिकार अच्छे तो वन काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर टाइप ऑफ तांके कहले कि एडवांस रु ही सब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गला कि तुम ये जिनस ही प्रोड्यूस कर आतीक जिनस क्वांटिटी आमको देव आउ ए प्राइस आमको देव तो वन काइंड ऑफ लेबर सिस्टम टाइप ऑफ कर देले सेमनको तो ब्रिटिशर्स माने गुटे वन काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड हो गले एंड से माने पीजेंट्स उनको पैसा देले एडवांस रे कि तुम इंडिगो इंडिगो जाको प्रोड्यूस करो एंड ई सिस्टम एक्चुअली चलला तो धीरे धीरे एक्चुअली देखा मिलला कि जो इंडिगो प्लांटेशन जे करूथिले तांकर जो मेन क्रॉप थिला सेडा एक्चुअली कम हो गला तो से मानको खाइबा पई कम हो गला खाइबा पई कम हो गला एंड बाहर से खाइबार जिनस जदि किणुचंती तार रेट याडे बढ़ी जाइछ इन्फ्लेशन अधिक हो जाइछ तो नदिया डिस्ट्रिक्ट रे एक्चुअली एटा जते बेले स्टार्ट हला फर्स्ट वेस्ट बेंगल रो नदिया डिस्ट्रिक्ट आपनो सुनिथिबे नदिया नवदीप जोटी चैतन्य महाप्रभु भी एक्चुअली जन्म होइथिले तो नदिया डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली गोटे मास ऑर्गेनाइज मूवमेंट एक्चुअली देखा स्टार्ट है द लीडर वे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास द लीडर वे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास एंड तापरे धीरे धीरे माने नदिया रे स्टार्ट कले एंड नदिया रे स्टार्ट करके धीरे धीरे पूरा बेंगल रे से स्प्रेड हो गला एंड बेंगल से बहुत बड़ हो गया तो जमीती फॉरेस्ट फायर हुए तो से हिसाब से फायर हिसाब से टाइप ऑफ ये रिवोल्ट टोटली स्प्रेड होगा इवेन ये रिवोल्ट जो है तो किसी इंटेलेक्चुअल्स माने भी आपको सपोर्ट करे किसी इंटेलेक्चुअल्स माने भी आपको सपोर्ट करते ओके किए किए सपोर्ट करते कौ कौ इंटेलेक्चुअल्स माने हरिश्चंद्र मुखर्जी ये क्वेश्चन एक्चुअली आसला फिलिम्स कि कौन इंडिगो रिवोल्ट को कौन इंटेलेक्चुअल्स मान सपोर्ट मिलता गोटे स्टेटमेंट आसला यूपीएससी तो हाँ मिलता किए किए एक्चुअली करते हरिश्चंद्र मुखर्जी हरिश्चंद्र मुखर्जी ताके गोटे न्यूज पेपर लिखते हिंदू पेट्रियट एडिट करुले हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी तो सेठी तांके भी ई मुद्दा को उठाई आ गोटे थे शिशिर कुमार घोष शिशिर कुमार घोष आ गोटे थे दीनबंधु मित्र दीनबंधु मित्र तांके गोटे बही लिखिले नील दर्पण नील माने इंडिगो नील दर्पण एंड नील दर्पण रे जो पैथेटिक अवस्था जो इंडिगो प्लांटर्स मानकर से टोटली मेंशन कर दीनबंधु मित्रा शिशिर कुमार घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी और बहुत गुड़ा सब इंटेलेक्चुअल्स माने थ्रो देयर बुक थ्रो देयर न्यूज पेपर तांके ये मुद्दा को उठेले से मानकर दुख को बुझाने चेष्टा कले एंड दे आल्सो सपोर्टेड दिस रिवोल्ट एंड ये सब रिवोल्ट हेला परे लास्ट कौन देखा मिलला कि फाइनली द इंडिगो प्लांटेशन जो जबरदस्ती कराला ताको बेंगल रु रिमूव कर दिया गला तो इट वाज ए क्वाइट सक्सेसफुल मूवमेंट ओके तो रेगुलर ट्रेंड इटा हेला ना इटा जबरदस्ती आउ जोटा आगे होता सीटा हो जबरदस्ती से जिनस करें ओके सो राइट द कॉजेस ऑफ दिस इंडिगो रिवोल्ट राइट कॉजेस तो फास्ट लिखो फोर्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो Forced production of indigo by peasants. Forced production of indigo by peasants. Second, right? Enslavement of peasant. Enslavement of peasant. Due to advance system जो कहली एडवांस रे पैसा देगी तापरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करी की जो जिनस होता तो ये जिनस जो टोटली कॉन्ट्रैक्ट होगा कि से एतिक वर्ष इंडिगो प्रोड्यूस कर एंड जहाँ भी प्रोड्यूस कर ब्रिटिशर्स मानक गोटे फिक्स रेट्रे बिकब
सो दैट इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ स्लेव करा बॉन्डेड लेबर कर दिया गला तो एनस्लेवमेंट ऑफ पीजेंट ड्यू टू एडवांस सिस्टम बाय ब्रिटिश प्लांटर बाय द ब्रिटिश प्लांटर ओके दैट वाज द सेकंड रीजन नेक्स्ट इज थर्ड रीजन राइजिंग प्राइस ऑफ ग्रेन rising price of grain grains on a price is going to okay as the next important revolt hochi deccan riots नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पीजेंट पीजेंट रिवोल्ट इज डेक्कन रायट्स जोटा कि 1875 रे हिता मेन्स में जदि क्वेश्चन आसतो तो जनरली क्वेश्चन आसीबो कि कॉजेस कौन थिला एंड इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन रायट्स विषय रे जदि आसुची तो पर्टिकुलरली बड़ बड़ रिवोल्ट विषय रे क्वेश्चन आसीबो जोटा कि हमें डिस्कस करू बट प्रीलिम्स रे कौन हुए कि डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्ट भी दे दिए विथ मैच द कॉलम टाइप कि किए लीड करथिला किंबा मेज द कॉलम टाइप कू एरिया रे हिथला बा मेज द कॉलम टाइप कू ईयर रे हिथला तो दैट्स व्हाई मोर पीडीएफ देबी सेठी बहुत गुडे रिवोल्ट जक थिवो एंड ताको खाली प्रीलिम्स पे इंपोर्टेंट सेटा देखियो तो से प्रीलिम्स कैप्सूल रे मोसेडा देबी सो डेक्कन रायट्स माने जो हमरो जो डेक्कन वाला जो रीजन थिला महाराष्ट्र वाला रीजन ई एरिया रे सेठी एक्चुअली डेक्कन वाला रीजन रे देखिया पे मिलथिला 1875 तो असुविधा कौन है डेक्कन रीजन रे असुविधा कौन कौन से रिवोल्ट है तो डेक्कन वाला रीजन रे यू नो कॉटन प्रोडक्शन अधिक हम सी ब्लैक सोइल अच्छी एंड सी कॉटन प्रोडक्शन अधिक ओके सो कॉटन प्रोडक्शन अधिक होता एंड जिनस भल चली तो आप बुझाप चेस्टा करूँ गोटे सीट So this is India and this is Deccan wala Maharashtra wala area and this is North America re mainly ida hochi America this is America or US United States so America re hela kon 1861 re katha 1861 re gote juddha hela taku ame kahuchu American Civil War to America is also known for cotton production एंड अमेरिकार कॉटन जाक सब ऑल ओवर यूरोप रे एक्सपोर्ट होता तो यूरोप वाज ए मार्केट टाइप ऑफ एंड अमेरिका ताकु कॉटन सप्लाय करूला ओके सो जिते बड़े अमेरिका रे 1861 रु 1875 पर्यंत 1861 रु 1865 पर्यंत जिते बड़े युद्ध है अमेरिकन सिविल वार गोटे सीट जो होता अब्राहम लिंकन भी थे तो सेठी जेतेबेले सिविल वार हला तो ई जो कॉटन जोटा कि यूरोप को जाऊ बंद हो गला बिकज सीठी गोटे सिविल वार चलता सो जेतेबेले कॉटन बंद हो गला यूरोप रे जीवा पई तो इंडिया रु कॉटन टा एक्सपोर्ट होवार स्टार्ट हला इंडिया एबे अधिक रु अधिक कॉटन टा एक्सपोर्ट करिला करिला तो जेतेबेले इंडिया अधिक रु अधिक कॉटन एक्सपोर्ट करिला तो एठो जो डेक्कन वाला जो पीजेंट माने थिले से माने बड़ रिच हो गले अमीर हो गले तापर धीरे धीरे जिते बड़े अमेरिका रे जो सिविल वार सरी गला बंद हो गला तो सीटी पुणी आउ थरे प्रोडक्शन हैला पुणी आउ थरे तांकर जो मार्केट थिला तांके आउ थरे सेंड कले तांकर कॉटन जाको एंड जिते बड़े अमेरिका स्टार्ट कर देला आउ थरे एक्सपोर्ट करियार कॉटन तो आमर जो कॉटन रो जो डिमांड थिला यूरोप रे सेटा कमी गला तो आमर जो पीजेंट्स माने जो रिच हो जाइथिले बिचारा बिकज ऑफ गोटे छोट पीरियड पर अमेरिका रे जो असुविधा हैला तो एबे अमेरिका एबे यूरोप को टोटली भरपूर कॉटन सप्लाई करी दोची तो इंडिया रु कॉटन सप्लाई हेबार बंद हो गला
एंड इंडिया रु कॉटन सप्लाई जितने बंद हो गला तो ये पीजेंट्स माने तो कॉटन रु बंचु थिले अबे तांके माल बिकी बे कोठी तो तांकर माल टाइप थिले अबिका बिकियाओ हेई पारिला ना तो से माने जो छोटो पीरियड पई तांकर बेनिफिट मिलला से बेनिफिट जितने बंद हो गला से बेनिफिट जो मिलुथला से जिंस से जो प्रॉफिट मिलला से प्रॉफिट आउ बेसी मिल पारला ना एंड प्रॉफिट तो मिल पारला ना ब्रिटिशर्स माने कोन कोले टैक्स रेट बढ़े देले टैक्स अधिकारु अधिक इम्पोज कर देले इन्फ्लेशन लेवल बढ़े देले ओके एंड देखिया पे मिलले कि जो मनी लेंडर्स माने थिले मनी लेंडर्स माने भी तांकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटा भी बढ़े देले ई काइंड ऑफ सिस्टम से जतवर हैला तो डेक्कन रे एक्चुअली बहुत गुड़ा असुविधा देखिया पे मिलला तांके टोटली रूरल इंडेप्टेडनेस ही गले रूरल इनडेप्टेडनेस माने ऋण बहुत ही गला से मानकर बिकज गुडी शॉर्ट टाइम प्रॉस्पेरिटी परे तापरे तांकर डिमांड सरी गला तांके प्रोड्यूसन कर दै जंती तो तांकर प्रोडक्ट रो तांको सी हिसाब रो रेट मिलु नै बट याडे टैक्स रेट अधिक देवार अछि सो से माने ऋण वाडी करूचंती एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढी गला तो ई सब जिंस जते बेले गुडी माने डेब्ट साइकिल अधिक हो गला एंड आउ बहुत बडे आउ किछि बाटो मिलेला नै तो तांके मनी लेंडर्स उपरे अटैक करे स्टार्ट करले जिते भी मनी लेंडर्स थे अधिकरू अधिक जो ऋण दौले एंड से मैंने अधिक कमाते तो फास्ट अटैक कले बिकज मनी लेंडर्स मैंने असुविधा मैंने पीजेंट्स मानक कहले घर पशि पशि कि तुम्हें जो मोर जो पैसा तुम्हें नहीं चाहिए पैसा तुम देवन तुम घर सब जिनस जाक मुझे फिंगी देवी तुम घर को भी कैप्चर करी तो मनी लेंडर्स को फास्ट टारगेट कले एंड मनी लेंडर्स को अटैक कले ओके एंड तर घर द्वारा जलईदे ओके एंड धीरे धीरे ये सब रिवर्ट धीरे धीरे स्प्रेड हो गए ऑल ओवर डेक्कन वाला रीजन में ओके तो गवर्नमेंट तापरे देखले रे हो छी कोन एटा एम आई ऑडिबल सर वॉइस इको हो छी सर ओके लेट मी सी जस्ट वेट आई विल फिक्स इट
एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Am I audible to everyone? No response. Okay.